मौजूद हूँ बिरोल प्रखंड के मनोहर भौराम के अम्बा में, और हमारे पीछे माँ भगवती स्थान है और यहाँ के स्थानीय ग्रामीण मौजूद है। आपको बता दें कि इस वक्त पूरे उत्तर बिहार में नवरात्र पूजा बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें दुर्गा मैया की पूजा की जाती है। और ख़ास विशेषता ये है इस गांव की कि यहाँ लगभग 20 साल से अधिक समय से यहाँ लोग दुर्गा पूजा मना रहे हैं और बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। जबकि आज मैया का पट जो है उसको खोल दिया गया है, खुलने वाला है आज, खुलने वाला है। आज कौन सा पूजा है? आज सातवीं पूजा है। आज सातवीं पूजा है, और इस बार नौवीं और दसवीं कैसा रहेगा? नौवीं और दसवीं, दसवीं मेला अंतिम होगा, अंतिम दसवीं मेला होगा। एक बात जानना चाहती है यहाँ के दर्शक कि इस गांव की विशेषता क्या है, इस मंदिर की विशेषता क्या है? इस गांव की विशेषता यही है कि घना आबादी है और सब प्रकार के लोग यहाँ हैं, जादव से लेकर और नीचे तबका के लोग हैं, सब शांति वातावरण से आपस में भाईचारा के नाता से मिल करके चल रहे हैं, एकजुट में सब। इस बार का आयोजन समिति की ओर से जो व्यवस्थाएं की गई थी यहाँ पर, कैसा व्यवस्था था इस बार व्यवस्था जो है सो अच्छा है। शांति वातावरण के लिए जो है सो धूमधाम की कोई तैयारी नहीं है। हम लोग यहाँ प्रोग्राम की व्यवस्था नहीं की है। यहाँ नवो दिन जो है सो नवाह पारायण पाठ रामचरितमानस का और कथा और चौपहरा भजन होता है। देखिए होना भी यही चाहिए था, और लगातार लोग ये भी कह रहे थे कि जहाँ पर पूजा कार्यक्रम हो, पूजा स्थल हो, खास करके वहाँ पर कोई रंगारंग कार्यक्रम या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम ना हो तो शायद बेहतर होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे अश्लील गाने भी बजाए जाते हैं जो नहीं होना चाहिए। आपका क्या नाम है? मणिकांत यादव। अच्छा, ये होना, नाच गाना होना चाहिए जहाँ पर पूजा हो? नहीं, हम लोग तो नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो प्रशासनिक आदेश के मुताबिक ही करते हैं। इस बार होगा कि नहीं है? नहीं, इस बार नहीं होगा। इस बार नहीं हो रहा है, मतलब शांतिपूर्ण पूर्ण 200 साल से बिल्कुल शांतिपूर्ण। अच्छा, आपका क्या नाम है? अमित रंजन उर्फ अर्जुन यादव। अच्छा अमित जी, क्या कहेंगे इस बार जो पूजा है, आयोजन समिति की ओर से जो व्यवस्थाएँ की गई है, क्या कुछ कहेंगे, क्या खास है इस बार का? पूरे ग्रामीण मिलजुल के शांतिपूर्वक यहाँ पर लगभग 20 साल से अधिक से एकदम शांति वातावरण से माँ का पूजा यहाँ पर होता है, और आगे भी ऐसे ही होता रहेगा। इस साल जो है सो प्रोग्राम नहीं है, संस्कृति प्रोग्राम नहीं है, अगले बार से हम लोग प्रशासन से अनुमति लेके उसके बाद उसका भी जो होगा नियम दायरा में रह के उस जो बता दिया ना, उसके मेला में जान नहीं आता है, क्योंकि मेले में जो भीड़ होना चाहिए, जो लोगों को जुटाने के लिए एकमात्र विकल्प संस्कृति कला है, और उनके बिना कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, एक बताइए, रंगारंग कार्यक्रम के अलावा जो यहाँ पे पूजन पाठ का जो कार्यक्रम चल रहा था और जो चल रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा तरह यहाँ पर पूजा होता है, माँ भगवती का देन है, और हर वर्ष देखते हैं यहाँ पर जो है बहुत शांतिपूर्वक जो है सो पूजा होता है। 2 साल कोरोना काल के कारण वैसे भी लोग नहीं आ पाए, इस बार भी आप लोग कार्यक्रम नहीं कर रहे तो फिर कैसे आएंगे लोग? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं, कोरोना काल में सिर्फ सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं होता है, बाकी बात पूजा पाठ एकदम पूरा जो नियम कायदा है उसके अनुसार से विधि विधान से होता है, और आगे भी होती रहेगी। अच्छा, इस मंदिर की क्या खास विशेषता है, आपको कुछ जानकारी है? मैया का जो है सी ये दरबार है, यहाँ पर जो भी मनोकामना होता है वो पूरा होता है, यही मैया का खास है। अच्छा, जो आपकी मनोकामना होगा और आप सच्चे श्रद्धा के साथ यहाँ पहुँचेंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। क्या क्या नाम है आपका? सत्यनारायण यादव, वार्ड जी, वार्ड सदस्य जी, इसी पंचायत के हैं जी जी। अच्छा, क्या कहेंगे आप इस मंदिर के प्रांगण में खड़े जी? इस मंदिर का बहुत विशेषता है, यहाँ जो भी मनोकामना जो लेके सच्चा दिल से आता है उसको मनोकामना पूरा होता है, और यहाँ इन साल तो नहीं है, दूसरे साल यहाँ दो कलश भर्ती होता था, जिसके छाती पे कलश रखा जाता था, और 9 के 10 दिन वो ऐसे एक साथ लेटा रहता था, ना पानी पीता था, ना उसके मुंह में पानी जाता था, ना मुंह में कुछ लेना है, ना अंदर से बाहर कुछ जाना है, ना कुछ अंदर लेना है, मतलब वो ऐसे को ऐसे पड़ा रहता था। जो भी यहाँ आप मनोकामना लेके आएंगे वो भगवती पूरा करता है। कल बेल नौतन का था तो किस तरह जुलूस निकाला गया, आज निकालेंगे जी? नहीं, बेल नौतन कल था, आज 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 उसको सतमी का पट खुलेंगे, यहाँ बहुत भीड़ से जुलूस निकलेगा, और 101 कलश यात्रा भी होती है,
और आज ही निकलेगा नहीं, कलश बैठा है, कलश यात्रा दसवीं को निकलेगा। अच्छा 10।